नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। रायबरेली बॉर्डर पर नहर में गिरा ट्रक और महिलाओं और बच्चों से भरा मिनी ट्रक नहर में गिरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 बच्चे नहर में लापता है। गोताखोर लगातार उन बच्चों की तलाश कर रहे हैं और नगराम के पटना गांव के पास का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार पिकअप नहर में गिरा और 7 बच्चे अभी तक लापता है। पिकअप गाड़ी नहर में गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। रायबरेली बॉर्डर पर नहर में गिरा मिनी ट्रक, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। अभी तक 7 बच्चे लापता है। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, लगातार वहां पर बच्चों की तलाश की जा रही है। अब तक 7 बच्चे नहर में लापता है, गोताखोर बच्चों की तलाश कर रहे हैं। पिकअप में कुल 29 लोग सवार थे और जिसमें से 7 बच्चे लापता है, उनकी तलाश जारी है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। रायबरेली बॉर्डर पर नहर में गिरा मिनी ट्रक, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बच्चों की तलाश लगातार की जा रही है। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कई लोगों का हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है। महिलाओं और बच्चों से भरा मिनी ट्रक नहर में गिरा, यह बड़ी खबर लखनऊ से। और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर देखिए कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुकी है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, अनियंत्रित होकर नहर में गिरी पिकअप, ये बड़ी खबर लखनऊ से। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है, जहाँ अब तक 7 बच्चे लापता है और इन बच्चों की तलाश लगातार जारी है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रम, अब तक 7 बच्चे लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा आखिर? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है पूरी तरीके से। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और बच्चों की तलाश की जा रही है। लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग इस मिनी बस में थे और पूरी तरीके से अनियंत्रित होकर ये बस नहर में जा गिरी, जिसके बाद पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। हालांकि महिला और जो पुरुष जो बस में मौजूद थे वो सभी बाहर निकल आए, लेकिन जो बच्चे साथ में मौजूद थे वो नहर से बाहर नहीं निकल पाए, वो पूरी तरीके से अभी लापता है। और रेस्क्यू टीम पूरी तरीके से मौके पर है। नगराम गांव के पास ये पूरा मामला हुआ, जहां पर पूरी तरीके से जो पुलिस भी पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और एनडीआरएफ पूरी तरीके से लगातार तलाश कर रही है बच्चों की। लापता बच्चों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक की हाल फिलहाल किसी भी बच्चे की जानकारी या कोई बच्चा अभी तक ही मिल नहीं पाया है। जी बिल्कुल, लेकिन विक्रम पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह रही इस पूरे हादसे के पीछे, क्योंकि 6 बच्चे लापता हैं, अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। देखिए कारण साफ है, अनियंत्रित होके रायबरेली से लखनऊ की तरफ ये बस मिनी बस आ रही थी, ड्राइवर का कंट्रोल खत्म होने के कारण ये बस एकदम से जाके नहर में पलट गई, अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद लगभग एक दर्जन जो लोग सवार थे बस पे वो सभी जाके नहर में जा गिरे, जिसमें कि महिला और पुरुषों ने किसी तरीके से अपने आप को बचाया, मगर पूरी तरीके जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं नहर में लापता हो गए हैं। जैसे ही ये बात सामने आई, तुरंत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, पूरी तरीके से लापता बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर पर सीधा आपको लेकर चलते हैं। और ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां हादसे में 7 बच्चे अभी भी लापता है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। हादसे में 7 बच्चे लापता और सीएम योगी ने जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के आदेश दिए हैं। लखनऊ से एक खबर, जहां एक अनियंत्रित पिकअप नहर में गिरी और सीएम योगी ने बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। पिकअप वैन में कुल 29 लोग सवार थे और 7 बच्चे अभी भी लापता है। नहर में गिरी बारातियों की वैन, लखनऊ से एक खबर, जहां सीएम ने बचाव कार्य में तेजी के आदेश दिए हैं और हादसे में 7 बच्चे अभी भी लापता है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के आदेश दिए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह राठौर लगातार लाइव बने हुए। विक्रम, बच्चों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और तलाश की जाए। जी देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तुरंत निर्देश जारी कर दिए जैसे ही मामला सामने आया है।
मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि पूरी तरीके से जो जो व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्था वहां पर पहुंचाई जाए, पूरी तरीके से जो जांच है उसको तेज किया जाए, जितनी भी पर्याप्त पुलिस फोर्स बस चाहिए या एनडीआरएफ की टीम चाहिए उसको मौके पर पहुंचाया जाए, पूरी तरीके से लापता बच्चों को ढूंढने का प्रयास बड़े स्तर पर किया जाए। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी लोग पूरी तरीके से जो लापता बच्चे हैं उनको ढूंढने का प्रयास करें। हालांकि जिस तरीके से जो ये हादसा हुआ उसके बाद मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया, एनडीआरएफ टीम भी पहुंच चुकी है और एनडीआरएफ टीम लगातार बच्चों की को लापता बच्चों को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक की किसी बच्चे की मिलने की सूचना नहीं आई है। जी बिल्कुल विक्रम, बने रहेगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर अब तक 7 बच्चे लापता है और इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। के लोग जो है लौट रहे थे जिसमें एक पिकअप गाड़ी में जिसमें लगभग 29 लोग थे ड्राइवर को लेके, और वो अनियंत्रित होकर रात को नहर में गिर गई है। लगभग 22 लोगों को बचा लिया गया है ड्राइवर को लेके, 7 बच्चे जिसमें 2 बच्चियां और 5 लड़के हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एनडीआरएफ की टीम लोकल गोताखोर और लोकल जो भी संसाधन उपलब्ध है सबको लगा के रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। नहर में पानी बहुत है तो संपर्क किया जा रहा है ताकि नहर में पानी कम कराया जाए और जो है जो बच्चे गायब लापता हैं उनको जो है ढूंढ निकाला जाए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर लगातार लाइव बने हुए हैं। विक्रम, आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि 6 बच्चे लापता हैं अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। जी देखिए, आधिकारिक तौर पर जो बात अभी सामने आई उसमें साफ किया गया है कि जो लोकल गोताखोर हैं, जो लोकल सपोर्ट है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार बच्चों की तलाश कर रही है, लगातार बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से नहर में अभी जिस तरीके से लगातार पानी ज़्यादा है, जिस तरीके से उसको भी कम करने की बात कही गई है कि काम उसको पानी को रुकवाया जाए, पानी को कम कराया जाएगा, उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम है वो और बड़े स्तर पर तलाश कर पाएगी। तो पानी कम कराने की बात भी की जा रही है जिससे कि पानी नहर का रोका जा सके और जिससे कि जो बच्चे हैं जिससे कि जो जो बच्चों को ढूंढने का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ सके। तो अभी अधिकारी लोग सभी सिंचाई विभाग से उनके संपर्क में भी हैं कि पूरी तरीके से नहर का पानी कम किया जाए जिससे कि एनडीआरएफ की टीम को बच्चों को ढूंढने में आसानी हो। हालांकि अभी तक की कोई ऐसी, जैसे मैंने बताया, कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि कोई बच्चे भी तलाश हुई है या कोई बच्चे मिले हैं। पूरी तरीके से लगातार तलाश चल रही है, एनडीआरएफ की टीम हो, लोकल गोताखोर हो, जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सभी लोग भी जो जिनकी तैराक अच्छी वो सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग लगातार बच्चों की तलाश में लगे हुए हैं। बिल्कुल विक्रम, बने रहेगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर पर सीधा आपको लेकर चलते हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां लापरवाही से बच्ची की मौत का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीएम योगी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बरेली से एसीएमएस को सस्पेंड करने का सीएम योगी ने दिया आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पुरुष अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर कमलेंद्र स्वरूप गुप्ता निलंबित और डॉक्टर अलका शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। ये बड़ी खबर बरेली से है, जहां डॉक्टर अलका शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और महिला अस्पताल की सीएमएस है डॉक्टर अलका शर्मा। बरेली से खबर, लापरवाही से बच्ची की मौत का ये पूरा मामला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर लगातार जुड़े हैं। विक्रम, बरेली का ये पूरा मामला जहां बच्ची की मौत हुई, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के आदेश दिए। जी बिल्कुल, बरेली के थाना विशारदगंज क्षेत्र के गोकिलपुर का मामला है, जहां पर सुरेंद्र पाल गुप्ता की 5 वर्षीय बेटी की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं और पूरी तरीके से जिला अस्पताल में जिला जो इलाज है, इलाज के अभाव में 5 दिन की बच्ची, नवजात बच्ची की जान चली गई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त हो गए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कमलेंद्र गुप्ता को निलंबित कर दिया और जिला महिला अस्पताल की जो सीएमएस है अलका शर्मा,
उनके ऊपर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी लापरवाही है कि लगातार जो पिता है वो अपनी बच्ची को लेकर, 5 वर्ष की अपनी बच्ची को लेकर लगातार अस्पताल के चक्कर काटते रहे और डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ रेफर और रेफर का गेम खेलते रहे कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला अस्पताल में ट्रांसफर किया, महिला अस्पताल के ने फिर से दोबारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी में रेफर किया। अगर समय रहते इलाज मिलता तो 5 वर्ष की जो उर्वशी नाम की बच्ची थी उसकी जान बच गई होती, लेकिन लगातार रेफर और रेफर के खेल में बच्ची की जान चली गई। और जिसके बाद ये जब सूचना पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े रुख इस पर अपनाया, पूरी तरीके से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, डॉक्टर कमलेश गुप्ता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। वहीं जिला महिला अस्पताल की जो सीएमएस है अलका, उनके ऊपर विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि बात की जाए कि कुछ दिन पहले भी सीएमओ और सीएमएस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली तो उसमें सभी को साफ किया था कि जो जो इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, जो डॉक्टर्स हैं उनको बढ़कर काम करना चाहिए और जो डॉक्टर की कमी उनको जल्द ही वो पूरा भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो डॉक्टरों की हिला हवाली है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रही है, और जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन में है। जैसे ही ये मामला सामने आया तुरंत सीएमओ निलंबित किए गए हैं और सीएमएस पर जांच के निर्देश दे दिए गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो ये खबर आपको बरेली से बता रहे थे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।